हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करूंगी आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो है शाम का वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अभी जो है यहाँ पे तृप्ति यहाँ पे देखिए मोबाइल देख रही है, और मेरा जो है आरती पूजा हो गया है और मैं चालू कर दिए है वीडियो शूट करना, क्योंकि हस्बैंड जी गए हुए हैं मार्केट सब्जी लाने, और मैं जो है यहाँ पे लहसुन छिल रही थी, तो मैं सोची कि आप सभी के लिए मैं शेयर करूं, क्योंकि अकेले वीडियो देखती हूं, बनाने की कोशिश करती हूं, तो इसके लिए हम यहां पे जो है ना वीडियो शेयर ये करने लगे, बोले सोचे आप सभी के साथ शेयर करूं। तो देखते हैं, हस्बैंड जी आते हैं तो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूं, तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ। देखिए हस्बैंड जी भी आ गए, तो कितना देखिए हमारे हस्बैंड का जो है ना लंबी उम्र है, जोरी हमारा हमेशा बना रहेगा हमारे साथ। हाँ, वीडियो बना रहे क्या? हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, मैं सब्जी लाने के लिए गया था और माला को मालूम नहीं था, सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि माला ब्लॉग बना रही है। हाँ, तो सब्जी में क्या सब लेके आया हूँ ना, आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस ब्लॉग में अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं खुद से चालू किया, इनको पता ही नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके बिना मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए ये देखिए दोस्तों, मेरे बिना ये करने को सोच रही है, बताइए कैसी है? मेरे बिना कुछ भी कर सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। प्लीज दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो क्या सब ला दिए जी? दिखाता हूँ ना क्या सब लाया हूँ। आपको तो हम सिर्फ ये लाने के लिए बोले थे ना, मेथी का भाजी। मेथी का भाजी लाने के लिए गए थे, तो ये देखिए दोस्तों हम कितना पैसा लेके गए थे, आपको दिखाते हो कितना हमको बचा है पैसा इतना। तो और कैसे हम यहाँ पे बैठ के ये कर रहे थे, आप हाफ पेंट में ही चले गए थे क्या? फिर क्या होता है हाफ पेंट में जाने में क्या होता है? अरे तो दोस्तों हम याद ही नहीं थे कि इनको दिन की तरफ हम ध्यान ही नहीं दिए। आप देखिए 100 रुपया लेके गया था, उसमें मेरे पास 15 रुपये वापिस आया। क्या सब लाए? सब्जी जो है आपको दिखाता हूँ। चलिए हम करते हैं इसका रिव्यू। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब कुछ अलग कैटेगरी का भी वीडियो शेयर कीजिए, तो हमने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया है, देखते हैं आप लोग कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेथी का साग है, महाराष्ट्र में मेथी का साग बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है और यहाँ के लोगों को काफी पसंद भी होता है। हाँ, बहुत ही मतलब सेहत के लिए जो है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है मेथी का। आप सभी को भी मिलता है, आप सभी के गाँव में अवेलेबल है, तो प्लीज खाए। और ये देखिए ये जो साग है, वाह मूला का साग लाके दी। हमने कैसे लिया मालूम है क्या? यहाँ पे ये जो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मूला ले लेते हैं और ये साग को फेंक देते हैं, तो हमने वहाँ पे फेंका हुआ था साइड में, तो जिसकी दुकान में था ना। हाँ, दुकान वाले से मांग के हमने ये साग लिया दोस्तों, क्योंकि हम लोग के गाँव में ये साग खाते हैं। परदेश में तो दोस्तों इस तरीके से जीवन बिताना पड़ता है, लेकिन मैं बिताने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं कितनी अच्छे से बना के देती हूँ। वही ना, ऐसा क्या नहीं, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि ये मूला का साग आप लोगों को कैसे लगते खाने में। और ये देखिए दो मूला लिया हूँ, ये दो मूला का दोस्तों 15 रुपये का दो मूला देखिए, तो वहीं पे ये साग भी पड़ा हुआ था, हमने साग भी ले लिया। अच्छा हुआ कि माला ब्लॉग बनाने के लिए बैठी थी, संजोग से आ गए, तो मैं जो है आ गया। और ये देखिए हमारे गाँव का देसी बैगन, इसको बोलते हैं, आप जाते थे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मतलब अच्छा लगता है खाने में। इसका जो मसाला फ्राई बनेगा ना, मसाला भर के, तो बहुत इसका टेस्ट लगता है खाने में। आप सभी के साथ जो है ना मैं शेयर करूंगी। और ये आधा किलो लिया दोस्तों। हाँ, साग तो उसमें यूज हो जाएगा। हाँ, दोनों साग। और ये देखिए पत्ता फूल गोभी जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे तोड़ तोड़ के यहाँ पे बेच रहे थे निकाल के, तो मैं उनको बोला कि नहीं हमको ऐसे दीजिए साबुत ही, क्योंकि हम लोग ये जो है ना पत्ता इसका भी साग यूज कर लेते हैं सब्जी मिला के, तो थोड़ा सब्जी मतलब फ्लावर उसमें कम खर्चा होगा, तो इसलिए कॉस्टली ज़्यादा है। आपको समझ सकते हैं 30 रुपया का एक फूल हमको दिया, तो इसमें पत्ता भी तोड़ के हम इसमें सब्जी में लगा लेंगे। तो आप लोग इस तरीके से करते हैं, कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों। और ये हमारा रियल लाइफ ऐसा है फ्रेंड्स, और हम लोग जो है ना छोटे छोटे चीज में खुशी ढूंढते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये देखिए झींगा, हमारे गाँव में झींगा बोलते हैं, लेकिन किसी किसी तोराई बोलते हैं, और क्योंकि पसंद भी नहीं होता झींगा, तो झींगा वो मक्खी होता है ना, उसका भी नाम होता है, कहीं कहीं पे बोलते हैं। अच्छा नाम है तोरई, महाराष्ट्र में तोरई बोलते हैं, बहुत तोरई बोलते हैं। तो ये जो है ना 1 किलो लिया, तोरई लिया था 1 किलो, और उसके बाद बैगन लिया हमने 1.5 किलो, और ये था, और ये मूला 10 रुपया का, सॉरी 15 रुपया का, देखिए 2 मूला, और ये मेथी का साग 20 रुपया का,
और ये तो हम उसे उठा लिया, आपको बताया जैसे। तो वो जो है ना मैं कल बनाऊंगी, आज जो है मेथी की भाजी बनाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी बना के खाना पड़ेगा, उसमें कैसे सर्दी होता हाँ, तो है ना। कल सुबह में बनाएंगे दाल के हाँ साथ उसका भाजी। तो प्लीज दोस्तों, आज का जो ये हमारा शाम का रूटीन का ब्लॉग है ना, तो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा, बताएं फ्रेंड्स। क्योंकि काफी सारे ऐसे दोस्त पहले मैंने बोला है कि वो बोल रहे थे कि सर आप इस चैनल पे कुछ अलग कैटेगरी का भी वीडियो अलग भी डालिए, डालिए और अपने लव मैरिज के बारे में पूरा जर्नी बताइए, तो बताए तो बताऊंगा जरूर हम लोग जो है ना आप सभी के लिए वीडियो सब 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 तरह के बनाएंगे। चाहे एक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करे या दो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करे, हम सभी का वीडियो बनाएंगे। तो जैसे जैसे हमको होगा तो हम हमारा रियल लाइफ दिखाएंगे, और हमारे जो हम लोग देखे फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ के लिए, आप लोग बोलते हैं ना भाभी भैया बहुत अच्छे से रहते हैं, तो यही चीज़ है, हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट कीजिए, क्योंकि और पिछले वीडियो में हस्बैंड जी बोले ना तो 3-4 कमेंट ऐसा आया कि मैं बंगाल से देख रहा हूँ, महाराष्ट्र से देख रहा हूँ, और किधर से बोले थे नहीं, सऊदी से भी देख रहे हैं, सऊदी से भी हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग बोकारो, कमेंट करके, हाँ, बोकारो से, बोकारो भी धन्यवाद, बोकारो से बोल रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से बोल रहे, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हमारे जो वीडियो है हमारे यूट्यूब फैमिली कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे है ना। और आप लोग दोस्तों एक चीज आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं जो भी फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं जो है ना ब्लॉग में कम ज्यादा तो नहीं, तो कम से कम 5 फ्रेंड्स का नाम मैं जरूर बोलूंगा हाँ। कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर सजेशन देंगे तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप आप लोग का सभी का नाम नाम मैं मतलब ब्लॉग बनाते समय बताऊँ या नहीं बताऊँ, आप लोगों ने किस तरीके का कमेंट किया है। हाँ। तो आप लोग अगर देंगे हमें इजाजत तो नाम लूंगा, अगर नहीं देंगे इजाजत, क्योंकि सबको अपना अपना सेफ्टी का थोड़ा ये रहता है इस वजह हाँ। से, तो प्लीज अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो हम जो है ना अच्छा लगता है ना दोस्तों, आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, बहुत तो अच्छा आपका, लगता है कि आपका हमारा नाम YouTube भी लेना चाहिए, हमारा YouTube फैमिली जो हमें इतना सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं, नाम आप लोग लेके सब मिलके धन्यवाद है ना। देना चाहिए। तो यहाँ पे अब लहसुन छिल के जो है ना आगे का जो भी हमारा खाना पीना होगा वो यहाँ पे होगा, और फिर जो है दोस्तों मैं खाना पूरा बनने के बाद ना फिर आप लोगों से मिलता हूँ मेथी का साग और रोटी खाने के समय, तो हाँ, प्लीज आप लोग और बने पिछले जो रहिएगा। हमने वीडियो डाला है उस वीडियो को भी आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आई बटन में भी लिंक है, आप सभी वॉच कीजिएगा, उसे भी क्लिक कीजिएगा, पुराने पुराने जो वीडियो नहीं देखे है व्यूवर्स वो वीडियो को भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने तो वीडियो को स्टॉप कर दिया था, लेकिन माला बोली कि थोड़ा हमको साथ दीजिए सब्जी तो सॉरी ये मेथी का साग तोड़ने के हाँ। लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों तोड़ने के लिए, तो मैं जो है ना मेथी का साग तोड़ने के लिए माला का हेल्प कर रहा हूँ, तो थोड़ा देर आप भी बने रहिएगा। मीठे तो मीठे यादों से पलों के साथ हम लोग बातचीत करते हुए हमारा खुद का काम भी हम कर लेते हैं। हमारा बस इतनी सी गुजारिश है दोस्तों हम दोनों का कि जो भी कपल्स है ना प्लीज इसी तरीके से मिलजुल के, चाहे घर का काम हो या कोई भी काम हो हाँ। हाथ बटा के कीजिएगा तो बहुत आनंद आता है दोस्तों, चाहे छोटे परिवार हो या बड़े परिवार हो, इस तरीके से अगर सबका सहारा देके सबका हाथ बटा काम करने से हम ससुराल में भी थे ना सास ससुर के साथ, तो ये आते थे आगे बढ़ के, और जब तक मैं खाना पकाती थी तब तक मेरे पास बैठते थे, तो मुझे बहुत सपोर्ट तो क्या थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते थे लहसुन वगैरह छीलने में, लेकिन बातचीत जो बैठ के करते है ना तो अच्छा, वो अच्छा। तो मैं मोबाइल को जो ना दोस्तों इसमें सेट कर देता हूँ और फिर साग तोड़ते हुए आपसे थोड़ा बात भी करूंगा है ना। तो ये देखिए दोस्तों हमने ले लिया है मेथी का साग तोड़ बनाने के लिए, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं क्या, बड़े बड़े घर में ऐसे होता है ना जिनके पास काफी सारा पैसा होता है ना, वो लोग इस तरीके से टाइम नहीं दे पाते अपने फैमिली में, अपने बच्चे को, अपने बीबी को, जिस तरीके से हम लोग जो मजदूर इनके होते हैं ना बंदे अपने फैमिली में भरपूर आनंद से जीते हैं दोस्तों, उनके पास तो पैसा होता है लेकिन इतना सुख चैन उनके परिवार में नहीं होता है, सच पूछिए तो। क्योंकि मैंने बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे है ना उनको यहाँ मैंने देखा है, हमेशा जो है ना परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश बना हुआ रहता है, मतलब सुबह हो या शाम हो इस तरीके से वो लोग रिलैक्स होके जीवन को नहीं जीते हैं, तो उससे अच्छा हम लोग है दोस्तों की अपने लाइफ को इस तरीके से इंजॉय करते हुए है ना हाँ। सारा कुछ का मजा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग से भी जुड़ गए हैं तो और भी अच्छा लगता है हमारा लाइफ का जर्नी, क्योंकि इंसान के जीवन में क्या है दोस्तों, इंसान आज है कल नहीं है, तो इसलिए जब तक भगवान ने इंसान को जीवन दिया है तब तक भरपूर आनंद से इंसान को जीवन बिताना चाहिए।
तो ये छोटा सा मतलब हमने जो मतलब पर्सनली अपना ओपिनियन रखा है ना, आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेथी का साग तो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा है ना, तो खाने के समय आपसे फिर थोड़ी बातचीत करेंगे दोस्तों मिलेगा वीडियो में। तो गाइस जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारा जो है खाना पक जाने के बाद जब माला खाना पका लेगी तो हम लोग जब बैठेंगे ना खाने के लिए तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो है टाइम 9 बज चुका है और यहाँ पे देख पा रहे हैं थाली में लग चुका है, यहाँ पे देखिए मेथी की साग और गेहूँ के आटा की रोटी और यहाँ पे माला बैठ चुकी है और तृप्ति भी साथ में बैठी हुई है। तो कैसा बनाए जी बता दो? बहुत टेस्टी। तो खुद बनाई है तो टेस्टी रहेगा ही, और मैं बनाऊंगा तो टेस्टी नहीं रहता है ना खुद। और हमारे बिहार की कहावत है दोस्तों कि अपना दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है नहीं तो मेरा बनाया हुआ चीज आपको खट्टा लगता है? नहीं लगता है ना, इसलिए तो मैंने पूछा ना कि खुद का बनाया हुआ चीज तुमको खाने में कैसी लग रही है। और यहाँ पे देखिए ये रोटी कढ़ाई में, तो आप लोग भी आइए दोस्तों खाने के लिए। और आप लोगों से प्लीज गुजारिश है कि आज का जो ये ब्लॉग है ना आपके साथ शेयर किया हूँ तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ। और ये दोस्तों पहला निवाला आप सब के लिए मेरी तरफ से और माला की तरफ से, तो प्लीज हम दोनों की तरफ से ये देखिए खाना आप लोग भी खाइए। बहुत प्यारा सा है रोटी और सूखी भाजी मेथी का, क्योंकि अब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होंगे उनको तो शायद अच्छा नहीं लगता रहेगा, लेकिन हाँ। जो हमारे जैसे नॉर्मल जीवन जीने वाले इंसान हैं उनके लिए तो ये मतलब हाँ अमृत है ये चीज़। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है फिर से कि जो लोग चैनल पे आए हैं ना पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारा फैमिली बन जाए। बाय दोस्तों, ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।